आना ले रहा, मार रहा, खत्म कर रहा, मनमानिया चल रहे क्या तेरे? अरे और अब जाता बोल रहा इतनी आसानी से? चल बता जल्दी, कितने साल से परेशान कर रहा था उसको? हाँ तेरे और भी साथी है? हाँ इसके भाई को परेशान करने वाला दूसरा है या और कोई है? हाँ क्या तू छे? जल्दी बोल, तू भी परेशान कर रहा है या दूसरा है? जबान से बोल, जबान कहाँ गई? मैं हूँ। हाँ और इसको भी तू ही परेशान कर रहा? हाँ क्या करने का लास्ट में? मार के लिए जाने का है क्या साथ में? हाँ क्यों परेशान कर रहा? क्या दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी थी? अभी मैं नाम नहीं पूछा किसने डाला इसके आंग में, मुझे ये बताओ वो औरत थी कि आदमी था? जादू कराने वाला इसका रिश्तेदार कौन था वो आदमी? हाँ आदमी आदमी। अच्छा वो आदमी किधर का था? इसके ससुराल के तरफ का था, माँ के बाप के खानदान के तरफ का था, किधर का था? किधर का था जल्दी बोल। हाँ किधर का था वो? गाँव का है। हाँ वही गाँव का है। उसने शमशान से जादू चलाया कि कब्रिस्तान से? बगीचा से। कहाँ से? बगीचा से। जोर से बोल। आमा बगीचा से। आमा बगीचा बोल क्या होता है? घर के सामने। अच्छा ये बच्चा इसका नाम क्या है? राहुल। राहुल को किस चीज में मिला के खिलाए? हाँ दारू। जोर से बोल। दारू में। दारू में पिलाए? छोड़ो मत, उसको जकड़ के रखो उसको और तेज एक साथ में। कहीं में मिला के पिलाए? दारू में। और क्या बोलकर पिलाए थे? क्या तकलीफ देना बोले थे तुझे इसके आंग में घुसकर? जल्दी बोल, मैं पूरा भस्म कर दूंगा। हाँ बोल, क्या तकलीफ बोले थे? क्या तकलीफ दे बोले थे? घर में मत रहना। जोर से बोल। घर में मत रहना। घर में नहीं रहना, पूरे घर को बर्बाद कर देना और इसको पिला पिला के इसका फ्यूचर बर्बाद कर देना। नशा करा रहा था तो इसको अंदर बैठ कर सही से जवाब दे जल्दी। जोर से। हाँ क्या कर रहा था? नशा करा रहा था। और क्या तकलीफ दे रहा था? लड़ाई भी लगा रहा था क्या घर में? जल्दी बयान कर, क्या क्या तकलीफ दे रहा था? हाँ और क्या क्या तकलीफ दे रहा था बच्चे को? तू मरा हुआ इंसान है क्या? शैतान की नस्ल से? किसकी नस्ल से है? जोर से बोल बदबख्त। हाँ मरा हुआ इंसान है? हिंदू का है मुसलमान का है? हिंदू। जोर से। हिंदू हिंदू। अच्छा तुझे शमशान से पकड़ के भेजे कब्रिस्तान से? आमा बगीचे पास। आमा बगीचे के पास से। जकड़ो उसको और तेज से। इसके दोनों भाई को और भगाए हैं, उसका कारण पूछो। इसकी मम्मी जो घर छोड़ के गई है उसका भी कारण पूछो। वो दोनों भी कहाँ गए? घर छोड़ कर घर छोड़ चले गए। अच्छा इसके दोनों भाई क्या नाम है उनके? मोंटू पांडे और उज्जवल पांडे को घर छोड़कर किसने भगाए? नहीं पता। उन्हें जादू करके भगाया कि तुझे हुकुम दिया कि तेरे दोस्तों को हुकुम दिया और भी तेरे साथिया है क्या? नहीं है। और वो जादूगर जो जादू कर रहा उसने ही भगाया क्या वो दोनों भाइयों को इसके? नहीं है। और इसके माँ जी माँ को कौन भगाए? नहीं पता। क्या उनके अंदर भी कोई शैताना है दूसरे? नहीं है। बोलना तो पड़ेगा तुझे, नहीं बोलेगा तो जला देंगे तुझे। घुमाता बहुत थोड़ा। अरे कैसा छोड़ेंगे तुझे? अब्बा का तेरा रात चल रहा है कमी है? अंदर बैठ के मार रहा बच्चों को। हाँ उसका हाथ क्यों काट रहा है? जल्दी बोल, जल्दी बोलना तो पूरा भस्म करूंगा। जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास में। छोड़, छल नहीं सुनूंगा मैं। इसको जंजीर डाल के बंद के लो और इसको मार मार के इसके अंदर आग लगा के सब बाहर निकाल के फेंको। भस्म कराओ उसके अंदर की दवा, तंत्र मंत्र के वारों को सबको तेज के साथ में। पानी उसको पीने। इसमें का? हाँ ये वाला। हाँ जल्दी। राहुल पानी पियो। ये जो मसला है, कौन से गांव से आए थे? जोर से बोलो, कौन से गांव से आए? समनापुर। कहाँ आता ये समनापुर? छत्तीसगढ़ कवर्धा जिले। कवर्धर कवर्धा।
छत्तीसगढ़। ये इससे पहले कितने बार परेशान कर रहा था, घर पे हाजिर हुआ था हमने? ये तो 2-3 साल हो गए हम लोग परेशान। सवाल जवाब करता था? अरे बहुत ज्यादा एकदम, मैं बॉम्बे चले जाऊंगा मैं। वो तो तुम्हारा लड़का बोल रहा था, वो अंदर का क्या बोलता था, कभी अंदर का सामने आया था क्या? हाँ क्या बोल रहा था अभी परसों? क्या बोल रहा था? मतलब जो पाता है वो, मतलब इसका कोई तरीका ही समस्या पर गाली करते, एकदम गाली मार रहे बहन। वो तो ये गाली दे रहा था, ये नशा कर रहा था, वो तो ये कर रहा था, तुम्हें लग रहा था। इसके आंख पर शैतान तुमने देखे कि हाजिर होता हुआ घर में आकर? शैतान हाजिर हुआ था क्या? अपने आप फंसता है अकेले में, पूरे रात मोबाइल चलाता है। दूसरी बात, कान में लगा लिया, पहले ऐसा कुछ नहीं था, कान में लगा लिया तो बिल्कुल बिल्कुल छूटता ही चली। इलाज के लिए बताए दूसरे तरफ कहीं? कोई काम नहीं आया, सब दिखा दिया, सबके तरफ बताया। हाजिर हुआ कि अभी है, जैसा हाजिर हुआ वैसा नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ। नहीं, कहाँ बताए थे? अब दिखाने के लिए जितने भी हाकिम वगैरह जैसे भी हैं उधर आसपास के, थोड़े जो जानकार है हल्का फुल्का, उनको दिखाया मैं। इनका मसला ऐसा चल रहा है कि इनकी घर के अंदर किरकिरियां लड़ाइयां लगा दिए, दो बच्चों को अलग करा दिए, माँ को भी अलग करा दिए, इनको अलग करा दिए, और ये इसके अंदर बैठकर वो क्या कर रहा था कि नशा कर रहा था इसको, वो अंदर बैठे शय नशा करा रही थी। और ये लोग सब क्या समझ रहे थे कि इन्हें क्यों ऐसा कर रहा है, इसकी हैबिट, इसकी आदत ऐसी कैसे बदल गई सडनली, ये कैसे क्या चेंजेस आ गए इसके अंदर, ये नशा भी पी रहा कर रहा था और ये ऐसे हाथा भी काट रहा था, ये ऐसे हाथ हाथ काट रहा, गर्दन पे छुरी चला रहा था, और क्या गर्दन पे भी चला रहा, चक्कू लेके दरवाजा को लगा देना और अंदर से बंद कर देना। हम लोग चिल्लाते मतलब खोलते ही नहीं दरवाजा, अब बेलों को दरवाजा पे लात पे मारना, बिजली को मारना, मतलब पूरे सब तरफ से कहीं बोलोगे तो। अब ये लोग परेशान हो गए थे, इसको हो रहा क्या ऐसा बोलकर, तो ये गए और कहीं जगहों पर भी गए बताए, लेकिन कहीं हाजिर नहीं हुआ। वो यहाँ आते ही उसको 35 सेकंड के अंदर मैंने हाजिर कर दिया, सामने पकड़ लिया, पकड़ के सामने लाके बता दिया कि ये कोई भी क्या बोलते तो बीमारी नहीं है, और दूसरी बात उन्हें खुद दिल से नहीं कर रहा, उन्हें ना दिल से नशा नहीं कर रहा, दिल से तुम लोगों को परेशान नहीं कर रहा, उसको कोई दूसरी शय उसके अंदर थी, वो आकर इसको नशा भी करा रही थी, इसको परेशान भी करा रही थी, इसकी आता भी काट रही थी, और घर के अंदर पूरा खराबा भी कर रही थी। और इसका कटिंग था, बाल हेयर स्टाइल था, सब देखो ना बदल गए हैं, कपड़े को जो है नया, कितना भी लोग पुराने कपड़े पहनते हैं, ब्रश मंजन घिसते नहीं है, नहाते नहीं है, अंदर बैठे वाली शय करते हो। हाँ, एक चीज इसकी बहुत बड़ी बात है, वो सेंट के बिना रहता नहीं, अभी भी गाड़ी में सेंट लाया हूँ तो ये आया है यहाँ, ये अतीत्र लगा करके और नाक में ऐसे सुनते रहते हैं ऐसे, और नहीं अगर कहीं नहीं दोगे सेंट को तो हाथ में चक्कू छुरी लेकर के गर्दन पे ला के डराने लगता है। तो ये जो हरकत है ये सब कर रही थी, अंदर बैठेली बला कर रही थी, बला को सामने लाए, पूछा है कि दारू बला, उसने क्या बोला, उसके अंदर रिकॉर्ड में है कि दारू में मिलाकर ये छोकरे को पिलाए है, नशे के अंदर कौन पिलाए, वो तो सामने जो भी वदमी है, वदमी जादू कर रहा है, इनके गांव का ये सब बयान होगा, सिर्फ अभी मैंने उसका नाम नहीं बताया, उसका नाम वक्त आने पर उसका नाम भी बता दूंगा इंशाल्लाह, उसकी जबानी बाहर निकालकर वही बला आकर वही शैतान सब बयान करेगा। और अंदर जो अटके वाली दवा है वो दवा क्या कर रही, उसको खींचते वेली वो बलाओं को बुला रही, वो बलाएं आ रहे, फिर उसको खींचते वेली जाके नशा करा रहे, परेशान कर रहे, उसको अपने होश में नहीं रख रहे, और उससे ऐसा लगता है इंसान को कि पेशेंट ही कर रहा है, क्या ऐसी हरकत है इंसान, लेकिन इंसान कभी कभी खुद के वश में, खुद के बस में, खुद के हाथ में उसका सिस्टम नहीं रहता, कभी कभी कोई और उसकी डोर चलाता, तो वो डोर कोई और चला रहा है बैठकर, और उसकी जाना लेने की तैयारी कर रहे हैं ऐसे ही करके परेशान करके। बाबा जी एक और परेशानी है, 1.5 साल से घर में खाना नहीं खाया। क्यों खाते ही नहीं? वो अंदर बैठे वाला कहीं खाएंगा, वो उसको बाहर ले जाकर खाना बनाता हूँ तो भाग जाते हैं घर से, खाना नहीं बनाता हूँ। शाकाहारी मांसाहारी? शाकाहारी ही बनता है घर में हमारे, शुद्ध शाकाहारी है कि मांस भी खाते हैं? ये खाते हैं मांस, तो वही बाहर ले जाके मांस खिला रहे होंगे ना उनको। तुम शुद्ध शाकाहारी बना रहे और अंदर बैठे वाले कुछ शाकाहारी नहीं चल रहा, तो उन्हें उसको ले जाके दौड़ा दौड़ा के मांस खिला रहा बाहर। तो ये सब हरकतें बलाएं खबीज जिन्नात पिशाच जादू टोने के वाल जो रहते हैं XYZ, ये भी एक थेरीज है, ये भी एक अलग इल्म है, ये भी एक अलग दुनिया है उस हिसाब से, लेकिन इंसान को परेशान करते हैं। परेशान मत करो, तुम्हारे कर्म अच्छे रहेंगे तो तुमको हर धर्म में बता देगा कि स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, और अगर तुम बदमाशी करेंगे, बदमाश किस्म के इंसान रहेंगे, ऐसे लोगों के बच्चों को जादू करके परेशान करेंगे, तो तुमको जरूर तुमको नर्क मिलेगा, जहन्नुम मिलेंगे, और तुम जहन्नुम में जाके जलेंगे।
किसी का कुछ नहीं जाएगा। बार बार मैं तुम्हारे लोगों को ये बोलता हूँ कि गर्म पानी से क्यों किसके भी घर जलाते, क्यों किसी को ऐसा परेशान करते। अब उसका मैं पलट करूंगा, अब मैं उसका उतारूंगा तो तुम्हारे हाल बुरे हो जाएंगे जिन्होंने भी ऐसी हरकत करे तो, क्योंकि तुम्हारा तुम पे पलट के गिरेगा, जैसा करनी वैसी भरनी। तुमने दूसरों के वास्ते खड्डा खोदे, तुम खड्डे में गिरेंगे। तो इसलिए बार बार ये मैं बताता हूँ कि ऐसी हरकतें नहीं करना, नहीं करना। और क्या बयान करूं मैं कि इंसान जो दीन धर्म वाला इंसान रहता, उन्हें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, जो दीन और धर्म से दूर हो जाता वो बदमाश रहता, वो बदमाश इतना हो जाता कि वो शैतान का साथी बन जाता और वो सबको परेशान करता। दीन धर्म वाला इंसान ऐसा सोचता कि अरे मैं बुरा कर दूंगा तो अल्लाह देख रहा मुझे, अरे मैं बुरा कर दूंगा तो ईश्वर देख रहा मुझे। उसका वही ना वही अर्थ होता सब नामों का उसके, कि उसको तुम हिंदी में बोलो तो उसको तुम ईश्वर, उसको तुम इंग्लिश में बोलो तो गॉड, उसको तुम अरबी में बोलो तो अल्लाह है। तो वो एक ही है, वो धरती के कायनात के हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, वो धरती के कण कण में मौजूद है, वो जर्रे जर्रे में मौजूद है। उसको ईश्वर बोलते जिसको देखते, जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, जिसकी कोई मूर्ति नहीं, जिसकी कोई वो नहीं, उसको खाली महसूस किया जाता वो ईश्वर है। और जो मूर्ति रहती देवी देव रहते वो भी तुमने तुम्हारे इससे पहले के पाठ में बताया कि वो क्या रहते, वो कैसे पढ़ते, लास्ट में उन्होंने भी तो ईश्वर के ध्यान लगा के उन्होंने भी तो ईश्वर की पूरी इबादत और भक्ति करते बैठते, उससे शक्ति मांगते और अपनी ताकत बढ़ाते। जिसको हाथ पैर नाक आंख आ गई तो वो इंसान होगा, वो उस दौर का अवतार या कुछ भी होगा, जो उस दौर का अच्छा शख्स जो भेजे वाला गॉड की तरफ से तुमको मैसेज देने के लिए। तुमने बाद में उनकी मूर्तियां बना दी, उनकी पूजा चालू कर दी, जबकि मूर्ति और देव ये जो भी है ये गॉड मैसेंजर होंगे उस दौर के। तुम पढ़ लो तुम्हारे किताबों में तुमको पता चलेगा, गॉड अल्लाह अरबी में और हिंदी में और संस्कृत में उसको ईश्वर बोलते हैं उसको। तो वो ईश्वर जगत को पालनहार है, इसलिए तुमने उसको वेदों के अंदर भी अलग नाम दे दिए, तुम्हारे इसमें भी अलग दे दिए, सब जगह। वो ईश्वर पूरे ब्रह्मांड की रचना रचा तो तुमने उसको ब्रह्मा बोल दिए, उसने पूरे जगत को पालनहार है तो तुमने उसको विष्णु बोल दिए। और है तो सब अर्थ जाके लास्ट में सारे धार्मिक किताबों का और सारे ग्रंथों का अंत लास्ट में कंक्लूजन उसका जो निकलता उसका निचोड़ लास्ट में ईश्वर पे जाके एंड होता हो। फिर ईश्वर कौन है? वो ईश्वर है जिसको महसूस किया जाता, जिसने सब कायनात को बनाया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो तुमने बना दिया आपस में, लेकिन उन्होंने तो इंसान बनाया था। और तुम ऐसा करेंगे हरकतें तो ये तुमको सजा भुगतना पड़ेगी। और याद रखना कि तुम अगर भटक जाएंगे और जल्दी पटरी पे नहीं सुधर के तुमको मार भी पड़ेंगी। इसलिए किसी का घर गर्म पानी से नहीं जलाना, गलत बात है ये। अब वो लड़का है हिंदू, उसके अब्बा भी होंगे हिंदू, लेकिन परेशान तो है ना फैमिली पूरी, परेशान तो हुई थी ना। तो जादू टोना मुसलमान नहीं देखता, हिंदू नहीं देखता, सिख नहीं देखता, ईसाई नहीं देखता, वो जिसपे बचाए उस पर हमला करता हो। जिधर उसको हुक्म दिए उधर जाते शैताना और जाके परेशान करते, लेकिन वो परेशानी में वो सब पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती, सब लोग डिस्टर्ब हो जाते। तो ये बद्दुआ तो है ना, ईश्वर के तो बंदे हैं ना, अल्लाह ने तो सबको बनाया ना। रही बात हो तुम्हारी, तुमने दुनिया में क्या कर्म करे क्या नहीं करे, मरने के बाद तुमसे हिसाब लेंगे। हर धर्म में बोले अल्लाह कि तुमको मरने के बाद हिसाब किताब देना चाहिए। मुसलमान है तो खबर के अंदर देना है, क्रिश्चियन भी है तो खबर के अंदर देना है, हिंदू है तो चिता पे देना पड़ेगा, वो जो भी है उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत सारे बातें बताए वाले, पढ़ो जरा पता चलेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो दीन धर्म वाला इंसान रहता हूँ किसी पे जादू नहीं करता। मुसलमान है तो उन्हें बोलता मुझे अल्लाह देख रहा हूँ, मैं किसी को परेशान करूँ किसको। हिंदू है तो उन्हें बोलता मैं कोई ईश्वर देख रहा हूँ, भगवान देख रहा हूँ, मैं कहीं को परेशान करूँ किसको। क्रिश्चियन तो उन्हें बोलता गॉड देख रहा हूँ, मैं कहीं को परेशान करूँ किसको। ये दीन धर्म वाले लोगों का ऐसा दिल रहता कि उन्हों किसी को परेशान नहीं करते। और जो दीन और धर्म से फिर जाता, जो बदमाश बन जाता शैतान का साथी, उन्हें ऐसा लोगों को परेशान करता और यकीनन उसका अंत बहुत बुरे तरीके से होता, उन्हें बचने वाला नहीं होता। उन्हें सोचता मैं सुकून से जीऊंगा, मगर उसको वार पड़ते, मार पड़ती है, उसका बुरा हाल कर देते। तो इसलिए मैं बार बार यही बोलूंगा कि बहुत सारी बातें हैं, कहीं सुने सबको अमल करने की तौफीक दे। तुम अगर हिंदू हो या तुम अगर मुसलमान हो, तुम कोई भी धर्म के हो, तो कुरान अल्लाह ने सबके लिए नियामत बना के उतारे वाली है तुम्हारे वास्ते। कुरान एक प्रोटेक्ट वाली चीज है, तुम्हारे को हिफाजत करने वाली चीज है। इसलिए जो भी सुन रहे मेरी आवाज, जहां तक भी पहुंच रही वर्ल्ड के कोने कोने तक, तो अपने घर के अंदर सुबह में सूर्य बकरा बजाया करो। अरे लोगो, तुम्हारे को इतनी फैसिलिटीज हो गई इस दौर में कि आज तुम मोबाइल में बोल दिए तो हर चीज सामने आ भी जा रही, बज भी जा रही, रिकॉर्ड भी हो जा रही, सब चालू रहा। तो इसलिए मोबाइल के अंदर ऐसा बोलना स्पीकर लगाकर, स्पीकर सूरे बकरा एक घंटे तक चलेगा, ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर थोड़ा वॉइस उसका लाउडली करके बजाना ताकि घर के अंदर गूंजना, और उस वक्त थोड़ा सा लोबान अगरबत्ती कुछ भी जला देना। तो तुम जब सूर्य बकरा चलेगा एक घंटे तक चलता, वो चलने देना, एक घंटे तक चलेंगी पढ़ाई,
तो उससे क्या होगा तुम्हारे घर में कि सारे छुपे वाले निगेटिव ताकतें निकल के भाग जाएंगे जो तुम्हारे परेशान कर दी घर के अंदर को, और तुम्हारे घर में फैज होगा, तुम लोग सब अच्छे महफूज रहेंगे। एक मेंबर अच्छा रहेगा तो पूरी फैमिली अच्छी रहेंगी, सुकून में रहेंगी। एक भी मेंबर परेशान हुआ फैमिली का तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती। तो इसलिए मैं क्या बयान करूँ, मैं सबके लिए यही बोलूँगा कि अल्लाह सबकी हिफाजत करे, इज्जत व आबरू की जान व माल की मुकम्मल तौर पर ये बलाओं से, ये शैतानों से, जादू टोने से अल्लाह महफूज रखे लोगों को, क्योंकि जिसके घरों में घुसते ये उनसे पूछो कि उनकी जिंदगियां तबाह कर देते, और उनको कोई हटाने वाला नहीं मिलता तो उन्हें और ज़्यादा तबाह हो जाते। तो इसलिए सीधा सीधा दीन और हदीस की रस्सी को मजबूती से थामो, पर मुसलमानों पांच वक्त की नमाज पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे नमाज उसकी इबादत भी है, बंदगी भी है, और तुम्हारी ढाल भी है, तुम्हारे हर चीज़ से, हर वबा से, हर इससे बचाती। तुम्हारे कुरान की तिलावत किया करो मुसलमानों, तुम भी अपने घर के अंदर, और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी सुन रहे उन्होंने भी अपने घर के अंदर सूरह बकरा बजाया करो, सुबह में एक बार सूरह यासीन गौर से सुना करो तो तुम शाम तक महफूज रहेंगे। तुम शाम में सूरह यासीन सुनेंगे 7 बजे के बाद तो तुम सुबह तक महफूज रहेंगे सूरत निकले तक। तो ये सब बातों पे अमल करे तो महफूज रहेंगे, वरना बाकी किसी का कुछ नहीं देगा। जो ना मांगे सीख फिर वो दर दर मांगे भीख, इतनी बात याद रखना। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो बला थी इसका डिफिनेशन ये है कि खुद ब खुद आए वाला नहीं है, इसको लाकर उठाकर छोड़े वाला है, और जिसको लाकर उठाकर छोड़ते पैदा करके तो वो बला को कुछ समझता नहीं, उसको सिर्फ उतना समझता जितना टारगेट दिया, दुनिया की दूसरी चीज़ें नहीं समझते, क्योंकि उसको जागरूक करना बोलते, जागरूक बोले तो उठाते पढ़ाई करके उसको, और उसमें जब उठता तो उसको दूसरे बातों से दूसरी चीज़ों से कुछ से कुछ मकसद नहीं रहता, उसको कोई मतलब नहीं रहता। उन्हें डायरेक्ट जो उसको टारगेट दिया ला उसको ही पूरा करता हूँ, उतना ही मारने की तैयारी, दूसरा उसको नहीं समझता। और जिन्ना शैतान भूत छुड़े लिए जो ऑलरेडी जिनको अल्लाह ने पैदा कराया ला इंसानों के जैसा, तो वो क्या करते, वो अगर किसी को लगे तो उनको तो 1 मिनट में पकड़ के बाहर निकाल के फेंक सकते, और ये जो उठाए वाली चीज़ें रहती इनको उनके तरीक़ों से जला के राख करना पड़ता। इसलिए बहुत सारे बातें, बहुत सारे थेरीज है, अलग अलग पार्ट्स बढ़ते हैं, अलग अलग दास्तान है। खैर इन शॉर्ट में बता दिया मैंने, तक कहने सुनने ज़्यादा अल्लाह से पता करना। हाँ कहाँ से आए थे, क्या वो कुछ सवाल जवाब याद है क्या अभी यहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ में, सवाल और जवाब कुछ याद है क्या? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी याद नहीं। ये रहता जब हाजिरी आती तो सब अलग अलग किस्म की रहती है, अभी इसको जो आई तो 100% वाली थी, यानी कि उसको कुछ याद नहीं, उसको खाली इतना याद है ना सामने बैठा है, बाकी वो आके क्या सवाल आ करके कहा कि तुम देखे लाई हूँ मैं, लेकिन उसको नहीं पता। तो ऐसे बहुत सारे खेल रहते थे दास्तान बाबा जी की आंखों में बरगद।